वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुषा पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपां बुधिर्यस्तम अहम प्रपत्ति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस प्रभु। ओके, सो आप सब लोग अपने जो माइक है उसको म्यूट कर लीजिए ताकि ड्यूरिंग द लेक्चर कोई क्योंकि आप लोग घर में होंगे या ट्रैवल कर रहे होंगे या ऑफिस में हो बाय चांस तो कई बार उसमें साउंड आ जाती है। ओके, सो आज हम लोग भगवद गीता सातवें अध्याय के 16वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, और इसको हमारे आचार्य विज्ञान योग भी कहते हैं। और वहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि चार तरह के लोग मेरी शरण में आते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थिर ज्ञाने च भरतर्षभा। कि अर्जुन चार तरह के सुकृति जो लोग हैं वो मेरी शरण में आते हैं। इससे पिछले श्लोक में 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं दुष्कृति की। तो इसमें जो कृति शब्द है हमारे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग उसका अनुवाद दिया। संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक अर्थों के अनुसार जो है उसकी अनेक व्याख्याएं की जा सकती हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु से अलग अलग समय पर अलग अलग भक्तों ने आत्माराम जो श्लोक है 1:7:10 भागवतम का आत्माराम अष्टमुनयो निर्ग्रंथे अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिं भक्तिम इथम भूत गुणोहरि। कि कोई व्यक्ति कैसी भी सिचुएशन में आए वो अंततः भगवान के दिव्य गुणों से आकर्षित होकर भगवान के शरण में आ ही जाता है, ये मुख्य उसकी एक्सप्लेनेशन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से जब इसकी एक्सप्लेनेशन पूछी तो चैतन्य महाप्रभु ने अनेकों, एक बार 60 से अधिक एक्सप्लेनेशन दी, एक बार 50 60 70 ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं एक ही श्लोक के। तो ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि जो संस्कृत के श्लोक हैं उसकी एक ही व्याख्या हो सकती है, उसकी एक से अधिक व्याख्याएं भी संभव हैं और होती ही हैं। भक्त जो हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में श्लोकों की अलग अलग व्याख्याएं देते ही रहते हैं और हमें उन सभी व्याख्याओं को अगर वो शास्त्रों के अनुरूप हैं तो हमें उन्हें सहर्ष हमें स्वीकार करना चाहिए। तो कृति शब्द का जो अर्थ बताया हमारे आचार्य ने, उन्होंने बोला कि नॉलेज या इंटेलिजेंस, और उन्होंने कहा कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से घृणा कर रहे हैं, भगवान से लड़ने को भगवान को मारने को तैयार हो रहे हैं, रावण हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भरे पड़े हैं, शिशुपाल दंतवक्र कंस कंस के सारे साथी जितने भी हैं सब भगवान को मारने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प हैं। आप में हम में क्या संकल्प शक्ति होगी जो उनके अंदर रही? तो हमारे आचार्य कह रहे हैं कि उनके पास नॉलेज तो है लेकिन वो लोग वो उस नॉलेज को उस ज्ञान का मिसयूज़ करते हैं। जैसे जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो ऑब्वियसली घर वालों को तो दुख होना ही था, वो जोर जोर से रो रहे थे, हिरण्याक्ष की पत्नी माँ सब लोग रो रहे थे जोर जोर से। तो हिरण्यकशिपु ने उनको इतने नीति वचन सुनाए, इतना उनको आत्मज्ञान सुनाया कि आप बोलोगे अरे भाई ये मतलब
ये हिरण्यकशिपु बोल रहा है कि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं? इतनी मतलब हैरानी की बातें हैं। और जब हमें भागवतम में ये प्रसंग भी मिलता है कि जब काल कन्या ओ काल कन्या ने पुरंजन को बोला कि आप मुझे स्वीकार करो, तो उस समय काल कन्या ने भी अनेक वचन बोले, और वो ऐसे वचन हैं कि आप बोलोगे ये तो बहुत ही शास्त्र सम्मत वचन है। उसमें काल कन्या ने बोला था कि दान देना भी चाहिए और दान लेना भी चाहिए, ददाति प्रतिघ्नाति। तो शिल रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, वहाँ काल कन्या भी बोल रही है कि अगर कोई दान दे रहा है उसको मना नहीं कर सकते, दान स्वीकार करना चाहिए। जैसे जो डिवोटीज हैं, जैसे आप सब लोग भक्ति भी कर रहे हो, साधना कर रहे हो अच्छे से, और साथ में प्रचार भी कर रहे हो, तो आपको कोई भी व्यक्ति कोई भी रकम आपको दान में देता है, चाहे वो 10 रुपये हैं चाहे 10,000 रुपये हैं, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक पैसा भगवान की सेवा में लगना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पता नहीं भगवान ने, श्रील प्रभुपाद ने कैसे उसके हृदय में प्रेरणा दे दी 10 रुपये दान देने की। अब वो आ गया 10 रुपये दान देने के लिए, अब रो, नहीं नहीं प्रभु रहने दो प्लीज़, हम नहीं लेते पैसे। आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आप भिखारी हो। आपका काम है गुरु की सेवा के लिए, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए आपको वो दान स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये लोग जो असुर होते हैं, इनके पास नॉलेज की कमी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि इनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन दुष्ट दुष्ट शब्द साथ में लगा दिया। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि दुष्ट कृतिनों का मतलब है कि वो नॉलेज को मिसयूज कर लेते हैं। उनके पास ज्ञान है लेकिन ज्ञान का गलत उपयोग कर लेंगे। लेकिन ज्ञान का गलत उपयोग कैसे हो सकता है? ज्ञान तो मतलब एक नॉलेज है कि जैसे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये नॉलेज है, मिसयूज कैसे होगा? भगवान की संतान है, मिसयूज कैसे होगी ये नॉलेज? तो हमारे आचार्य इसको एक्सप्लेन करते हैं, वो बोल रहे हैं देखो, गंगा जी के तट पर अनेक प्रकार के वृक्ष लगे होते हैं, कई वृक्ष मीठे फल देते हैं, कई वृक्ष कड़वे फल देते हैं। तो पानी तो दोनों ही तरह के वृक्ष, कौन सा पानी चूस रहे हैं? गंगा जी का पानी चूस रहे हैं, और कौन सा चूसेंगे? गंगा जी के तट पे खड़े हैं तो गंगा जी का पानी पियेंगे, गंगा जी का पानी अमृत के समान है, तो गंगा जी का पानी अमृत के समान है, तो कड़वे फल कैसे दे दिए? उसकी अपनी रिसेप्शन, जो वो जो भी उसको ज्ञान, जो भी उसको भेंट उसको मिल रही है, उसको स्वीकार करने की प्रवृत्ति, किस दृष्टिकोण से आप स्वीकार कर रहे हो, कितनी श्रद्धा भाव से आप उसे स्वीकार कर रहे हो, उस पे बात चलेगी। उसके अनुसार जो फल है वो कड़वा या मीठा डिसाइड होगा। बिजली एक ही है, बिजली एक ही है, उसी बिजली यूनिट से आपको भुगतान करना है बिजली की कंपनी को, लेकिन वही बिजली आप एसी में लगाओगे तो कमरे को ठंडा करेगी, हीटर में लगाओगे तो कमरे को गर्म करेगी। बिजली का कोई उसमें दोष नहीं है कि अरे बिजली भी थी फिर भी कमरा गर्म रहा। अरे आप हीटर चलाओगे तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से गर्मी देगा वो। तो इसीलिए हमारे जो आचार्य हैं वो बोल रहे हैं कि दुष्कृति की नॉलेज है लेकिन उसको मिसयूज कर लेते हैं, और मिसयूज करके जिस ज्ञान के आधार पर भगवान की शरणागति लेनी चाहिए थी, उसी ज्ञान को आधार बनाकर भगवान और उनके भक्तों से विद्वेष
हम लोग अपने हृदय में पालना शुरू कर देते हैं। आप सोचोगे कि अरे ये तो बड़े खराब लोग हैं जो असुर हैं, कि भगवत ज्ञान का ही मिसयूज कर लिया इन्होंने, उसी का दुरुपयोग कर लिया, कितने खराब लोग हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारी अपनी दशा क्या है, हम लोग किस कैटेगरी के अंदर हैं, हम लोग भगवान की भक्ति में तो जुड़े हैं, क्या हम लोग भगवान से वैर कर रहे हैं, क्या हम लोग भगवान के भक्तों से वैर कर रहे हैं कि प्रेम कर रहे हैं, क्या हम लोग भगवद गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान सुन के भक्तों के प्रति हमारे हृदय में वैर उत्पन्न हो रहा है कि प्रेम उत्पन्न हो रहा है। इस बात की जानकारी, इस बारे में हमें स्वयं अपना आकलन करना चाहिए। हमें अगर हमारे हृदय में किसी भी भक्त के प्रति लेश मात्र भी घृणा, लेश मात्र भी अगर हमारे हृदय में भक्तों के प्रति किसी भी कोई भी द्वेष अगर है, तो इसका मतलब हमारे पास कृति तो है, हमारे पास नॉलेज तो है, लेकिन हमने उसका ठीक, हम उसका प्रयोग कर नहीं पा रहे। हम लोग उस नॉलेज को गलत तरीके से, गलत दिशा में हम लोग लेके जा रहे हैं, और उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान होगा कि हम लोग कभी भी जो विशेष जो कृपा है भगवान की, कि भगवान से संबंध स्थापित करके भगवान की प्रेममय सेवा करना, वो जो अवसर हमें मिला, कि ये मिल सकता था हमें भगवान को संतुष्ट करने का, भगवान के चरणों में पूरी तरह से शरणागति होने का अवसर मिल सकता था हमें, लेकिन हमने वो अवसर अपने हाथ से जाने दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग दुष्कृति हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने हृदय में दूसरे भक्तों के प्रति द्वेष की भावना हमने अपने हृदय में पालनी शुरू कर दी। तो फिर क्या करें? क्या करें? हमें तो भक्तों के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग व्यवहार दिखाई देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, अनेकों बार श्रील प्रभुपाद ने इस बात पे जोर दिया, और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि देखो, अगर आपके किसी भक्त से अगर आपका स्वभाव, आपका मत, आपका विचार, आपका अगर मेल नहीं खा रहा, आपस में मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ आप गलत हो, यहाँ वो गलत है। इसका मतलब है आप दोनों के कार्य करने की शैली, आप दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। इस बात को स्वीकार करके साथ में मिलकर चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो वरिष्ठ भक्त है वो सोचे कि भाई मेरे तरीके से काम होगा, नहीं तो तू निकल ले यहाँ से, या हम ये सोचे ये पता नहीं अब सीनियर तो बन गए लेकिन पता नहीं क्या इनकी बातें समझ ही नहीं आ रही हमें, पता नहीं कई बार कई ऐसी सेवाएं दे देते हैं, ऐसी बातें कर देते हैं कि समझ पाना मुश्किल हो जाता है। नहीं, दोनों को अपने अपने मर्यादा का पालन करते हुए, दोनों को भगवान की सेवा में नियुक्त होने का जो स्वर्णिम, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम अवसर है, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए छोटी मोटी ईगो के चलते। तो फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, देखो चार तरह के लोग मेरी शरण में आते हैं और नॉलेज इनके पास भी है, लेकिन इन्होंने सुकृति, इन्होंने उसका मिसयूज नहीं किया, उन्होंने इसका सु उपयोग किया। इन्होंने उस जो नॉलेज थी, जो ज्ञान इनको प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने भगवान की शरण लेने का निर्णय किया। चाहे
उस निर्णय के पीछे चार अलग अलग कारण थे, जैसे गजेंद्र है वो आरती कि वो फंसा हुआ था बेचारा, उसको मगरमच्छ ने उसको पकड़ा हुआ था, और चाहे जिज्ञासु के बारे में हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि उनको नॉलेज तो है लेकिन बहुत सारे अभी क्लैरिफिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें और भी जानना बाकी है। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में और अधिक जानकारी वो लेना चाहते हैं। जैसे शौनक आदि ऋषि हैं, वो अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ के अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाह रहे हैं। अर्थार्थी अर्थार्थी में ध्रुव महाराज की बात आ रही है कि जैसे ध्रुव महाराज हैं, वो अपने दादा ब्रह्मा जैसी भी बड़े राज्य की तलाश के अंदर उसकी इच्छा अपने हृदय में पाल कर वो भगवान की शरण में गए थे, और उन्होंने भगवान के दर्शन उन्होंने प्राप्त भी किए। और ज्ञानी के लिए बोलते हैं कि जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, पूरे ज्ञान के साथ में, पूरी नॉलेज के साथ में और भगवान की शरण में आए। और आगे भगवान कह भी रहे हैं कि इन चारों में से जो ज्ञानी है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि आरती, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये तीनों जो हैं ये कर्म मिश्र भक्त हैं, इनकी भक्ति मिश्रित है, लेकिन जो ज्ञानी है वो निष्काम भक्त माना जाता है। उसके हृदय में कोई भी किसी भी तरह का स्वार्थ उसके हृदय में नहीं आता। हमने बात की थी कि आत्माराम श्लोक की हमने बात की थी, आत्मारामश्च मुनयो जो श्लोक है, और श्री चैतन्य महाप्रभु जब उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन आता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 24वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको आत्माराम श्लोक की अनेक सुंदर व्याख्याएं आपको पढ़ने को मिल सकती हैं। उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप कोई भी साधन लगा लो, योग लगा लो, कर्म लगा लो, ज्ञान लगा लो, कोई भी साधन जो है वो जब तक भक्ति का स्पर्श नहीं होगा, जब तक भक्ति छुएगी नहीं उसको, तब तक फलीभूत नहीं होगा वो। मुझे इस श्लोक पे बड़ी श्रद्धा रही है मेरे को। एक बार मैं प्रचार के कार्य से मैं गया था चिंतपूर्णी मंदिर के पास में, आप समझो कि धर्मशाला से करीब 35-40 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर उसके पास ही हमारा सेंटर था। वहाँ पे हम आसपास हफ्ते 10 दिन के लिए गए थे, आसपास के गांवों में, घरों में प्रीचिंग करने के लिए। तो एक दिन शाम को मेरे पास कुछ समय था तो मैं मंदिर चला गया, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध मंदिर भी है, और बाय चांस उस समय आरती चल रही थी। आरती चल रही थी तो मैं, अब आरती जब मैं गया तो बस आरती शुरू हुई, जैसे पता नहीं मेरी इंतज़ार में बैठे थे कि भाई आएगा तो आरती करेंगे। अच्छा, चारों तरफ जमघट लग गया, मैं भी बीच में था, मैं बैठ गया तो आरती शुरू हो गई। पूरी आरती चलती रही, मैं सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, और मेरे मन में यही विचार कौंध रहा था कि चैतन्य महाप्रभु तो कह रहे हैं अजा गल स्तन न्याय अन्य साधन, कि जैसे बकरी के गले पर जो हैं थन की तरह निशान होते हैं, लेकिन उनको आप उन थनों को दबाएंगे तो उसमें से कभी दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि वो केवल निशान है, वो उनके अंदर दूध दूध नाम की उनके अंदर कोई भी जो है वस्तु है नहीं। इसी तरह से जो कर्म, ज्ञान, योग, ये जितने भी साधन हैं, ये भी उस बकरी के गले पर जो है बने हुए स्तन के निशान, थन के निशानों के
समान है, उसके अंदर उसको जितना मर्जी दबाओ, जितना मर्जी खींचो उसको, और कभी भी उसमें से कोई आपको फल की प्राप्ति नहीं हो गई, तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने बोला इनको, ये सारे लोग इतनी श्रद्धा से यहाँ बैठे हैं, इतनी श्रद्धा से यहाँ बैठे हैं, इनके इतनी ये आरतियाँ कर रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, फलीभूत कैसे होगी, फलीभूत कैसे होगी। तब उन्होंने आखिर में, बिल्कुल आखिर के अंदर उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति शुरू कर दी उन्होंने। तो मैंने सोचा अब फलीभूत हो जाएगी, अब भक्ति से भगवान की शरण इन्होंने स्वीकार कर ली, भगवान को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया, अब फलीभूत हो जाएगी। मेरा मन शांत हो गया, मैंने भगवान को प्रणाम किया, देवी को प्रणाम किया और भगवान की जय जयकार करता हुआ बाहर निकल आया वहाँ से, बिल्कुल शांत मन के साथ में। तो जब तक भक्ति का स्पर्श नहीं होगा, जब तक भक्ति का स्पर्श नहीं होगा तब तक कोई फल नहीं मिलेगा। महाप्रभु कह रहे हैं, भक्ति बिनु कौन साधन दीते नारे फल, भक्ति के बिना कोई भी साधन फल नहीं दे सकता, सब फल दे भक्ति स्वतंत्र प्रबल। और जो भक्ति है, भक्ति के साथ कुछ भी मत करो। क्या कर रहे हो, हम भक्ति कर रहे हैं। अरे भाई कुछ और कर रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे, हम बस भक्ति कर रहे हैं, तो भी आपको सारे फल आपको प्राप्त हो जाएंगे, सारे फल प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, ऐ चारी सुकृति है महाभाग्यवान। ये जो चारों, ये जो सुकृति लोग हैं, आरती जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये चारों बहुत ही महाभाग्यवान है। अरे महाभाग्यवान आप क्यों कह रहे हो, ज्ञानी के लिए कह रहे हो तो चलो समझ में आता है, ज्ञानी के लिए कह दो समझ में आता है, लेकिन आप जो आरती है, गजेंद्र है फंसा हुआ है, ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज अब धन की संपत्ति की जो है इच्छा लेके आपके पास आ गए। शौनक ऋषि को अभी क्लैरिटी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये लोग महाभाग्यवान कैसे हो गए, ये लोग महाभाग्यवान कैसे हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तत् तद कामादि छाड़ी है शुद्ध भक्तिमान। ये लोग एक समय ऐसा आएगा कि ये लोग जितने भी दोष हैं, जो भी काम वासनाएं, जो भी डिज़ायर्स हैं, उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे और सारी अन्य अभिलाषाओं को छोड़ के भगवान के शरण में पूर्ण रूपेण केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान की शरण में ये लोग आ जाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, साधु संग कृपा किम वा कृष्णेर कृपाए। दो तरह से होगा। एक्चुअली में एक ही तरह से होगा, क्योंकि कृष्ण कृपा भी कैसे मिलेगी, वो भी तो किसी साधु के माध्यम से ही प्राप्त होगी, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, या तो किसी शुद्ध भक्त की शरण में आ जाएंगे या फिर भगवान कृष्ण की कृपा हो जाएगी। जैसे हमारे पास पुराणों में अनेक उदाहरण है कि एक व्यक्ति है, वो एक वैश्या को लेके टूटे फूटे मंदिर में जंगल के अंदर ले गया, उसके साथ व्यभिचार करने की आशा से, और उसने वो मंदिर को अच्छी तरह से साफ भी किया उसने कि यहाँ पे अब हम ऐश करेंगे, लेकिन आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, कहा सुनी हो गई, वहीं पे भूखा प्यासा बैठा रहा। वो मंदिर साफ करने का व्रत का फल भगवान ने उसको दे दिया, टूटे हुए मंदिर में कोई पूजा नहीं हो रही, वहां पर टूटे हुए मंदिर के अंदर भगवान की कृपा। भगवान ऐसे भी कृपा दे देते हैं। एक चूहा है, उसने जो है दीपक को खा लिया, तो उसके जो है मूंछ के बालों में आग लग गई और जोर जोर से उछला, भगवान ने आरती स्वीकार कर ली। कृष्ण कृपा कर भी देते हैं, विरले उदाहरण है ये, एक्सेप्शंस।
अपवाद के अंदर इनकी गिनती आती है। अगर हम मेन रूट जो हाईवे है, हाईवे का जो रूट है जहाँ से 99.99% लोग जाएंगे, वो लोग तो साधु संघ कृपा के माध्यम से ही जाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कामादि दुसंग छाड़े शुद्ध भक्ति पाए, और इनके कृपा से ये काम आदि ये वासनाएं जो भी हैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा रूपी वासना को, ये जो दुसंग है इसको त्याग कर ये लोग शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जैसे ध्रुव महाराज है अर्थार्थी, ये तो गए भगवान के पास में धन की इच्छा से, धन की इच्छा से चले गए, तो फिर अब धन की इच्छा से ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान को प्रे कर रहे हैं, भगवान के संतुष्ट करके संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, तो फिर आखिर इनका कल्याण कैसे होगा। तो भागवतम 5:19-27 के अंदर इसको एक्सप्लेन करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, यहाँ पर इस श्लोक की रेफरेंस दे रहे हैं इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या के अंदर। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान कृष्ण के पास किसी भी इच्छा के साथ आता है तो भगवान जो है उसकी इच्छा पूर्ण तो कर देते हैं, भगवान उसकी इच्छा पूर्ण तो कर देते हैं, लेकिन इस तरीके से करते हैं उसकी इच्छा पूरी कि वो इच्छा पूरी होने के बाद दोबारा भोग की इच्छा जागृत नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है कि जो भोग की इच्छा है वो तो बेसिकली आग के समान है, आप कितना ही उसके अंदर घी डालते रहो, इंद्र तृप्ति के जो वस्तुएं, इंद्र तृप्ति की वस्तुएं रूपी कितने ही उसके अंदर आप सामग्री डालते रहो, वो शांत नहीं होती, आग और अधिक भड़कती रहती है। लेकिन जब वही इंद्र तृप्ति हम भगवान कृष्ण के माध्यम से हम लोग करते हैं तो फिर भगवान वो इच्छा तो पूरी करते हैं, लेकिन इस तरह से भगवान इच्छा पूरी करते हैं कि वो दोबारा और अधिक इस तरह की इच्छाएं अपने हृदय में नहीं लेके आता, बल्कि उसके हृदय में भगवान की भक्ति करने की, भगवान की सेवा करने की इच्छा ही जो है बलवती हो जाती है। और यहाँ तक कह दिया इस श्लोक में 5:19-27 भागवतम के, यहाँ तक बोल दिया कि भगवान कृष्ण जबरदस्ती कोई एक बार आ जाए भगवान के पास में तब अस्मिति च याचते, कोई एक बार बोल दे हे भगवान मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी शरण में आ गया, तो भगवान उसको जबरदस्ती अपने चरणों की शरण प्रदान कर देते हैं ताकि उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाए। ध्रुव महाराज उदाहरण है, गए थे राज की तलाश में, भगवान के चरणों में गिर भी गए, भगवान से उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर भी लिया, भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। अब भगवान ने बोला कि मुझे पता है तुम्हारे हृदय में क्या इच्छा है, बहुत मुश्किल है लेकिन मैं पूरी करूँगा इसको। बहुत शर्मिंदा हो गए ध्रुव महाराज, बड़ी शर्मिंदगी हुई उनको, उन्होंने बोला कृतार्थ अस्मि वरम न याचे, हे भगवान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं पता नहीं कैसे अपने हृदय में इतना गंदा विचार लेके आपके पास ही आ गया, मैं धिक्कार है मेरे ऊपर, लेकिन आपकी इतनी दया है मेरे ऊपर कि अब मेरे हृदय से ये इच्छा खत्म हो गई, मुझे नहीं चाहिए। अब भगवान ने कहा नहीं, मेरा ऑर्डर है, प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं, नरसिंह पुराण में लिखा है, भगवान नरसिंहदेव कह रहे हैं मेरा ऑर्डर है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें जो असुरों के राजा का पद, हिरण्यकश्यपु का पद जो है, पदवी उसका राज सिंहासन तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, मेरा ऑर्डर है। अब भगवान का ऑर्डर कैसे मना कर सकते हो, लेना पड़ेगा आपको। और भगवान भक्त भगवान से कुछ मांगते नहीं है,
कुछ नहीं, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्या कुछ तो लेना, कुछ तो लेना पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं भाई मुझे कुछ तो, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा आपको? ताकि कोई ये लांछन ना लगा सके, अरे भगवान के दर्शन कर लिए, हाथ भी कुछ नहीं आया तेरे, बता क्या फ़ायदा हुआ। लोग उपहास ना उड़ाएं भक्ति का, लोग भक्ति के ऊपर किसी भी तरह का कोई दोष ना लगा बैठे। लोगों को इस दोष से बचाने के लिए भगवान जबरदस्ती अपने भक्तों को वरदान देते हैं। अब भक्त भी बहुत कमाल के हैं, भक्त भी बहुत कमाल के हैं। भगवान से वरदान ले भी लेते हैं, और ऐसा वरदान लेते हैं कि उनकी भक्ति पे कोई बाधा नहीं आए। कोला बेचा शेरदर, बिल्कुल फटे हुए कपड़े, फटा हुआ लोटा, टूटा हुआ लोटा, फटी हुई झोंपड़ी, कभी भरपेट खाना नहीं खाया जीवन के अंदर। महाप्रभु षड ऐश्वर्य अपना प्रकट कर रहे हैं सप्त प्रहरी लीला में, श्रीवास आंगन में, और महाप्रभु ने सामने से बुला के कोला बेचा श्रीधर को बोला, मांगो, क्या मांगते हो? और ये वही चैतन्य महाप्रभु हैं, ये वही चैतन्य महाप्रभु हैं जो जाया करते थे कोला बेचा श्रीधर के पास, और जबरदस्ती उसका सामान उठा कर ले आते थे। पहले तो जाते थे ग्राहक बन के और पूछते थे, कितने का ये? ये दो आने का है जी। अरे तुम क्या लूट रहे हो मेरे को? एक आने का सामान नहीं है, तुम दो आने बोल रहे हो? कोला बेचा श्रीधर कहते थे, अरे मैं तो वैसे बड़ा गरीब हूँ, और आपसे मैंने बिल्कुल रीजनेबल प्राइस मांगा है, मैंने आपसे कोई ज़्यादा पैसे नहीं मांगे, इतने में मेरा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, मैं आपसे कोई गलत बात नहीं कर रहा। और निमाई पंडित गुस्से में आके बोलते थे, अच्छा एक तो मेरे से गलत भाव ले रहा है, ऊपर से बहस कर रहा है, जा कोई पैसा नहीं दूंगा। वैसे ले आते थे जबरदस्ती, जबरदस्ती ले आते थे। और ये वही कोला बेचा श्रीधर है जो महाप्रभु ने जब सन्यास ले लिया था, सन्यास लेने के बाद सारे भक्त आए शांतिपुर में महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, तो कोला बेचा श्रीधर भी आए, और कोला बेचा श्रीधर अपने साथ में वहाँ से सीताफल लेके आए, और चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से वो अपनी माँ को दिया, शची देवी को, और उनको बोला आप ये बनाओ, ये खाऊंगा मैं। ऐसी दया महाप्रभु करते हैं, ऐसी दया करते हैं। तो महाप्रभु जो बिल्कुल न खाने का ठिकाना ना पीने का ठिकाना, टूटा हुआ जिसके पास पानी पीने का बर्तन ही टूटा हुआ, उसी से पानी पी रहा, उसी से नहा धो रहा है। और महाप्रभु ने उसको बोला अपना, महाप्रभु ने ऐश्वर्य प्रकट करके महाप्रभु ने बोला, बोलो क्या मांगते हो? तो कोला बेचा श्रीधर ने कहा, वो जो आप मुझसे जबरदस्ती, जो आप जबरदस्ती मेरे से आप छीन कर, आप मेरे से जो मेरा सामान लेके जाते थे, आपकी वो जो छवि है हमेशा मेरे हृदय में, आपकी वो छवि उजागर रहे, मैं उस छवि को कभी ना भूल जाऊं। आप बोलोगे कि अरे भगवान के दर्शन कर लिए, कोई कैसे भूल सकता है, कोई कैसे भूल सकता है? समय के साथ में धुंधला जाती हैं चीज़ें। जैसे सनातन गोस्वामी बृहद भागवत मृत में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और सनातन गोस्वामी ने वहाँ पे प्रसंग बताया कि नारद मुनि ढूंढ रहे थे कि भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृपा किस पे हुई, तो ढूंढते 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 प्रहलाद महाराज के पास पहुँच गए, और नारद जी ने कहा, भाई तुम तो कमाल के व्यक्ति निकले भाई, तुम्हारा जैसा तो कोई है नहीं, उनका अपना शिष्य है प्रहलाद महाराज, नारद जी के शिष्य है, और प्रहलाद महाराज उनका गुणगान कर रहे हैं, भाई तुम्हारे जैसा भक्त नहीं देखा भाई, ये भगवान आ गए रक्षा करने के लिए।
और अपनी गोदी में बिठाकर तुम्हें चूम चाट रहे हैं भगवान। ये तो बड़ी कमाल की बात है। प्रहलाद महाराज ने सिर झुका लिया शर्मिंदगी के मारे, बहुत शर्मिंदा हुए प्रहलाद महाराज। उन्होंने बोला, आप तो मेरे गुरु हो, आपको मेरे साथ ऐसा उपहास नहीं करना चाहिए। वो जो आप कह रहे हो कि भगवान प्रकट हो गए मुझे बचाने के लिए, मैं कितना खराब व्यक्ति हूँ, आप मेरी नीचता तो देखो कि अपनी रक्षा के लिए भगवान को ही बुला लिया मैंने कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, इस शरीर की आखिर कीमत ही क्या है, लेकिन मेरी नीचता को देखो कि मुझे इस शरीर से कितना लगाव, कितनी आसक्ति है मेरी कि मैंने भगवान ही को बुला लिया कि आ जाओ आप मेरी रक्षा करो मेरे शरीर की। और जहाँ तक आप कह रहे हो कि भगवान प्रकट हो ही गए, तो मैं आपको बता दूँ श्री नारद कि वो जो घटना है इतने वर्ष बीत गए अब तो एक स्वप्न की भांति लगती है। पता नहीं हुई थी या नहीं हुई थी वो घटना, क्लियरली अब याद नहीं आ रहा, कई वर्ष बीत गए इस बात को। धुंधला जाती हैं यादें जो होती हैं समय के साथ, धूल की परत उसके ऊपर चढ़ जाती है। इसीलिए कोला विचार श्रीधर ने कहा कि कोई धूल की परत ना जम जाए, कोई धूल की परत ना जम जाए। आप प्लीज़ उस छवि को मेरे हृदय में हमेशा ऐसा कीजिए कि वो छवि हमेशा एकदम जो नूतन नवीन छवि फ्रेश जो है हमेशा मेरे हृदय में अंकित रहनी चाहिए, ताकि मैं हमेशा उसका अवलोकन करके हमेशा आपकी कृपा का आकांक्षी बना रहा हूँ। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको ग्रांट कर दिया, उनको चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया वो वरदान। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण इस तरीके से जो इच्छाएं पूरी करते हैं कि एक भक्त के हृदय में कभी कोई और किसी भी तरह की कोई वस्तु, कोई इच्छा, कोई भोग की भावना हृदय में रह नहीं जाती। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो भगवान के शरण में आ जाए महाभाग्यवान है। श्रील प्रभुपाद तो एक्चुअली यहाँ तक कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की दया देखो कहाँ तक जा रही है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जो मुसलमान और क्रिश्चियंस ये जो रोज प्रे कर रहे हैं कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे जीसस, हे ओ गॉड, गिव अस आवर डेली ब्रेड, हमें आप जो हमारा रोज की खुराक है, भोजन है, वो आप हमें दीजिए। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं वो भी महाभाग्यवान है, और कभी ना कभी वो किसी भक्त के संपर्क में आएंगे और ये जो इच्छाएं हैं अनर्गल इच्छाएं उनके हृदय से वो सारी उड़न छू हो जाएंगी और भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाएंगे। इसका मतलब ये भी है, आप और मैं, हम जैसे भक्त जिन्होंने अभी भक्ति में पैर रखा है, फिसलन बहुत है, भौतिक भोग के आकर्षण बहुत हैं, हृदय में करोड़ों जन्मों की भोग की अतृप्त इच्छाएं, इच्छारूपी समुद्र हृदय में ठाठे मार रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से शांत हो जाए, किसी ना किसी तरीके से हमारे हृदय में वो जो इतनी गहरी इच्छाएं हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए, ना ही हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए तो कोई आशा की किरण ही नहीं है। हमारे लिए आशा की किरण है, हम लोग श्रील प्रभुपाद के शरण में आ गए, हम लोग श्रील प्रभुपाद के प्रमाणिक
प्रतिनिधि की शरण में आ गए और हम लोग एक ऐसे भक्तों की शरण में आ गए जो कि अपना बच्चा समझ के, अपना छोटा भाई समझ के हृदय में ऊपर से हमें स्वामी कह के बुलाते हैं और हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं साधु संघ कृपा किंवा कि साधु संघ की कृपा होगी तो एक ये जो कामादि जो दुसंग है ये हृदय से छू मंतर हो ही जाएंगे, ये ख़त्म हो ही जाएंगे। महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु के वाक्य पे कैसे हम संदेह संशय शंका कर सकते हैं, महाप्रभु का ये वाक्य सत्य हो के ही रहेगा। हम लोग भी गुरु की शरण हम लोग ने भी ली है, हम लोग भी अच्छे भक्तों के, अच्छे वैष्णों के संसर्ग में, उनके एसोसिएशन के अंदर हम लोग भी साधना भक्ति में लगे हैं। एक दिन अवश्य ऐसा आएगा, हमारे हृदय से भी सारी काम वासनाएँ क्षीण हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, हमारा हृदय रूपी दर्पण पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और हमारे लिए भी आशा की किरण है कि हम लोग भी भगवान की पूर्ण रूपेण शरण स्वीकार कर लेंगे। आखिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि हम भी महाभाग्यवान हैं, तो हमारा भाग्य भी कभी उदित होगा, हम लोग भी कभी भगवान की पूर्ण शरणागति का सुख आखिर होता क्या है, कभी ना कभी हम लोग भी उसका आस्वादन कर ही पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। ये बात सोच के उत्साहात निश्चयात धैर्यात, ये बात सोच के पूरे उत्साह के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ और पूरी धैर्य धीरज के साथ में भगवान की सेवा में बस लगे रहिए। भगवान की सेवा को कभी छोड़ने के कोई अपने मन में विचार मत लेके आइए, चाहे हमारा मन हमें कितना ही लालच और कितना ही प्रताड़ित क्यों ना करे। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।